आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज यूपी, मैं विवेक अल्पवंशी। इस समय मोहल्ला पठान दो वो साथ ही मोहल्ला पठान तीन में खड़े हैं। चुनावी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, इससे पहले तीन वार्ड हम कर चुके हैं, रंगरेजान फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम आपको बता दें जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए हम आपको बता देते हैं कि कुल 7 प्रत्याशी हैं नगर निकाय चुनाव में जिन्होंने चेयरमैन पद के लिए जो है दाल। पठान दो में 6 प्रत्याशी हैं मैदान में और पठान तीन में 4 प्रत्याशी हैं। अब हम आ जाते हैं समस्या जानने पर। लगातार पीछे आपने वीडियो में देखा, हम लोगों से उनके मोहल्ले की स्थिति जानते हैं, क्या मोहल्ले में विकास हुआ है, सफाई व्यवस्था किस तरीके से जो है शुरू हुई है, या आपके सभासद ने क्या काम किया है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जो है क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जी ये बताइए कि जी मोइनुद्दीन लियाकती। मोइनुद्दीन लियाकती जी हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आप प्रत्याशी हैं या परिवार से हैं, प्रतिनिधि हैं? नहीं, मैं पांच बार जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। अब की महिला सीट होने की वजह से मैंने अपनी बेटी को मैदान में पाया। चलिए देखिए, आज जो है बड़ी मुश्किल से हमको ऐसे प्रत्याशी मिले जो मौजूदा समय में रह चुके हैं। सवाल उन्हीं से होता है जो सत्ता में होते हैं। भैया थोड़ा सा प्लीज आगे बढ़ा दें। सवाल उन्हीं से होते हैं जो सत्ता में होते हैं, हम उनसे जानेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इन्होंने बीते 5 साल में क्या विकास कराए हैं, जिस पर जो है ये बता रहे हैं लगातार 5 बार से ये जो है सभासद हैं और 6ठी बार ये अपने प्रत्याशी हैं। ये 6ठी बार लोग विश्वास जता रहे हैं या नहीं जता रहे हैं ये भी जानेंगे, और अगर कोई प्रत्याशी है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। मोहल्ला पठान दो और तीन से कोई अगर प्रत्याशी है तो उनसे बात करना। एक युवा साथी है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम खान है। आप प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी मेरी माता जी। माता जी हैं जी। एक समस्या हम लगातार वीडियो में कहते आए हैं कि कई जगह ऐसा देखने को आया है महिला सीट है लेकिन महिलाएं आगे नहीं आती हैं, क्या कारण है इसका? कारण ऐसा है कि महिलाएं जो हैं घर के कामकाज में, तो कल को अगर वो जीत के आएंगी तो भी के आएंगी। अब कभी कोई खाली है किसी को, मैं नहीं खाली है। चलिए, अचानक आपका फोन आया जी, ठीक है, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं थी। चलिए, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिन प्रत्याशियों को आप जिताएं वही प्रत्याशी कोशिश करें आपकी समस्याओं को सही पटल तक पहुंचाने की। और कोई प्रत्याशी हो उनसे बात करना चाहेंगे? और कोई प्रत्याशी? भैया इधर आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद जी आप ही प्रत्याशी हैं? नहीं, मेरी माता जी। माता जी हैं। अच्छा, आप माता जी हैं, वो भी किसी काम में महिला में जो है। अच्छा, महिला प्रत्याशी हैं। और कोई प्रत्याशी हैं? पहले प्रत्याशियों से बात कर लेते हैं उसके बाद जनता के बीच आएंगे। और कोई प्रत्याशी है दो या तीन में? आप तीन से हैं, क्या नाम है? कल शायद आपसे बात हो चुकी है। इरशाद अली साबरी जी, आप मोहल्ला पठान तीन से प्रत्याशी हैं? तीन से प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और कोई अगर प्रत्याशी है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। एक मिनट आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रियाज अली जी। आप किस मोहल्ले से प्रत्याशी हैं? पठान तीन। पठान तीन से प्रत्याशी हैं, तो कुल पठान तीन से हमें 2 प्रत्याशी मिले हैं। तीन आप भी पठान तीन से हैं? पठान दो से दो प्रत्याशी, तीन से 2 प्रत्याशी मिले हैं आपका। दोनों मोहल्ले हैं आपके पास, पठान दो और तीन, तो मिक्स है यहाँ पे कई लोग हैं। हमने प्रयास किया था कि सभी जितने प्रत्याशी हैं उनसे बात करें, उनको अवगत कराएं जितने नंबर हमारे पास मिल सके। अब हम आते हैं मुद्दों पर। ये सभासद रह चुके हैं लगातार, तो इनसे हम बाद में बात करेंगे। और जो प्रत्याशी हैं हम इनसे बात करते हैं। मोहल्ला पठान दो से हैं आप, दो में क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को देखते हुए आपने जो है प्रत्याशी के तौर पर लोगों की समस्याओं को जानते हुए क्या देखा आपने जो आपको लगा कि आपको प्रत्याशी बनकर सेवा करनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि अगर कमियां ना होती तो 6 प्रत्याशी मैदान में नहीं होते। नहीं, ऐसे तो 11 प्रत्याशी भी हैं, ये कोई आकलन नहीं है। नहीं, आकलन है क्योंकि वार्ड में साफ सफाई सबसे बड़ी बात है। ये कुछ गलियां ऐसी हैं वो 5 बार के मतलब 5 बार कार्यकाल रह चुका है, अभी तक के सिर्फ उनको बताया गया कि ये बनेगी बनेगी बनेगी, वो अभी तक के बने ही नहीं। अगर आप चलेंगे तो मैं उनको घुमा भी दूंगा, ठीक है। सामने रोड टूटी हुई है, आप अपना कैमरा घुमा के देख भी सकते हैं, इसका विकास नहीं हुआ अभी तक के, ठीक है। और लाइटें हो जाती है तो सीधे डायरेक्ट नगर पालिका जाके एप्लीकेशन लेके वो काम कराना पड़ता है, ना कि सभासद द्वारा वो कार्य होता है, ठीक है। भैया ने बताई पठान दो की और समस्याएं हम और जानेंगे। भाई हैं हमारे साथ, ये भी प्रत्याशी हैं, क्या
जो भाई कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? सहमत तो हूँ, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं, बताने के लिए तो एक तो नहीं है ना टाइम है इतना, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं जनता के बीच। आप जाके जब देखें क्या लगता है, ये समस्याएं जो हैं अगर आप प्रत्याशी हैं और जीत कर आते हैं तो उनको दूर कर देंगे? समस्याओं को बिल्कुल दूर किया जाएगा, जब समाधान काम ही होता है जनता की सेवा करना। चलिए अब हम जो प्रत्याशी हैं उनसे हमने फीडबैक ले लिया क्या मोहल्लों की समस्या है, और हमारे साथ जो है जवाब दे हैं, पांच बार से सभासद लगातार रहते आए हैं, हम उनसे जानेंगे ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मोहल्ले में ये समस्याएं हैं इनको दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? प्रयास किया गया, मोहल्ले में ये कमेंट हो रहा है से लेकर मछली मंडी तक रोड बनवाई गई और भी रोडें बनवाई गई, तो इतना जो है क्या ये प्रत्याशी हैं इसलिए ये चीजें उठा रहे हैं या आम जनता भी इसी चीज को जो है इन्हीं समस्याओं को है, ये प्रत्याशी हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं? अच्छा, इसलिए कर रहे हैं, वरना हमको पांच बार हम जीते हैं, अगर पब्लिक का काम नहीं करते या कोई भी काम नहीं करते तो हमको वो नहीं जीता। देखिए कहीं ना कहीं तो इनकी बातों में भी सच्चाई, हालांकि हम जनता से जानेंगे, ये प्रतिद्वंदी हैं, हो सकता है आरोप लगा दें, लेकिन ये सड़कों की स्थिति देखकर आप बेहतर समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है। हम जो है अब इसके साथ हमारे साथ पठान तीन के भी लोग हैं, संयुक्त चर्चा है, इसलिए हम जो है पठान तीन के लोगों को भी जो है साथ में लेना चाहेंगे। कहाँ गए आप बताएं, आपके सभासद इस समय मौजूदा सभासद कौन थे, क्या वो मैदान में है इस समय? जी भाईजान ही है। अच्छा, आप ही दोनों मोहल्ले आपके पास है, क्या आपके यहाँ भी इसी तरीके की समस्या है? यही समस्या, यही समस्या है। तो देखिए भाईजान, लगातार दोनों मोहल्ले के लोग जो हैं उनसे हमने बात की है, क्या कारण है? देखिए हम समझ सकते हैं कि अकेले आप इस तरीके की चीजें पूरी नहीं कर सकते हैं, क्या कारण है? जो सर्वो सर्वा बैठे हैं चेयरमैन साहब, उनका सहयोग नहीं मिला जो इन लोगों को ये दुश्वारियां हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, चेयरमैन साहब का पूरा सहयोग रहा। तो फिर इनकी समस्याएं कैसे नहीं दूर? समस्याएं कोई रहे हैं हमारे वार्ड में, सफाई फसला जो रहे टाइमली होता है। चलिए हम जो है जनता से भी पूछेंगे, और भाई लोग हैं, माता जी है, माता जी मेंबर साहब कह रहे हैं आपके मोहल्ले में सभी सफाई और सारी चीजें होती है, तो क्या इसे सहमत है? कूड़ा भी उठता है, उठता है कूड़ा, लेकिन हमारे घर में हमने तीन चार जगह दिया गया, हमारा घर बिल्कुल बेकार हो गया, घर से नहीं कूड़े पानी भर जाता है, अच्छा नालियाँ साफ नहीं होती है, इसलिए पानी जाता है। अच्छा, तो क्या पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है इस वजह से? और भी लोग हैं, बात करेंगे, भाई आप इसी मोहल्ले से हैं, क्या ये जो कह रहे हैं ये समस्या सही है? ये इतना पानी भरता है सड़क में, समस्या नहीं, अगर समस्याएं होती हैं तो ये बच्चे ऐसे है कि रात में 12 बजे जाते हैं, पच्चीस साल से ऐसा व्यक्ति कौन है जो जीतता रहेगा? काम नहीं। चलिए आप बताइए, आप भी प्रत्याशी हैं, पठान दो से हैं, तीन से हैं, जो कुछ साथी आरोप लगा रहे हैं, हम चाहेंगे एक मिनट शांति रखें, आप लोग बात करें, जो आरोप लगा रहे हैं क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही है, मेन प्लस साफ सफाई प्लस लाइट की दिक्कत होती है, खम्भों में लाइटें वगैरह खराब हो जाती है। देखिए अगर हम लाइट की बात करें तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है पलिया का कि करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगी हैं, चाहे आप चौकी चौराहे से और सिंघहिया तक देख लें, लेकिन वो जो है जुगनू की तरह चमचमाती हैं। ₹2,000 की लाइटों का टेंडर 10,000 में हो जाता था और उनकी गारंटी भी होती थी, लेकिन वो एक बार खराब हो जाती हैं और ठेकेदार और जिम्मेदारों की मिली भगत से उन पर जो है उनको बदलने की जहमत नहीं उठाई जाती। अब बात करेंगे और लोगों से, हम चाहेंगे इधर आ जाएं जिससे हम सभी से बात कर पाएं, हम सभी से बात कर पाएं मोहल्ले के बाद फिर और हम आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे क्या ये आप इसी मोहल्ले के हैं? पठान दो मेरा वार्ड। क्या ये समस्याएं जो लोग बता रहे हैं, आपके प्रत्याशी बता रहे हैं, सही हैं? प्रत्याशियों का दावा है करना, प्रत्याशी जीतेंगे किस बेस से, क्योंकि पांच वर्ष का समायत का सभासद रहना कोई आम बात नहीं, जनता मूर्ख नहीं है कि एक ही व्यक्ति को पांच वर्ष कर रहे हैं, यदि अगर वो काम कार्य कर रहा है तभी तो उसको चुनना है। पांच साल में जनता एक नए कैंडिडेट से आगा जाती है, तो जाहिर सी बात है कार्य बिल्कुल टाइमली हो रहा है, अन्य मोहल्लों में जो गंदगी है प्रेजेंट टाइम वो यहाँ के देखते हो। भैया आ जाए, हम आपसे बात करेंगे जी। जैसे आपने आरोप लगाया और कहीं ना कहीं हमें भी दिख रहा है, हम एक बार चाहेंगे पीछे आप दिखाएं, ये नाली है और ये पूरी ब्लॉक है, कह रहे हैं सही बात ये भी है कि अगर
ये जो है काम नहीं करते हैं, मोहल्ले की साफ सफाई और समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, तो लगातार 25 सालों से क्यों चुने जा रहे हैं? देखिए ऐसा ना, जिनसे आपने ये अभी पूछा है इससे पहले, वो इनके सगे भतीजे हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेके वहाँ तक के माइक चमन चौराहे तक घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं तो शिकायतें मिलेंगी। ठीक है, समर्थक जो बना के लाए गए हैं और सामने देखिए हमें नहीं पता है कौन समर्थक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि सभी से बात करने का प्रयास करूँ। ये भैया है हमारे साथ में, इसी मोहल्ले के हैं आप, इसी मोहल्ले के, तो आप भी किसी के समर्थक तो नहीं है जैसे भैया कह रहे थे? तो क्या लगता है ये भैया कह रहे हैं या वाकई में जो सड़क टूटी हुई क्या यहीं पे है या पूरे मोहल्ले की स्थिति है? तो क्या इस बार बदलाव चाहती है जनता आपके मोहल्ले की? बदलाव चाहती, इससे कौन कौन सहमत है? क्या बदलाव चाहती है जनता? नहीं, हमारा पुराना मेंबर चाहिए, 25 साल से बना रहे हैं, विकास क्या है। और है माता जी हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। माता जी ये बताएं, पूछेंगे तो उसी मिलेगा। अब आप हमें बता दें, देखिए हमें नहीं पता है, आप हमें बता दें। मैं ये चाहूंगा लोगों को लाइए, जैसे उधर है उधर है पीछे, भैया किसी के घर से निकाल के नहीं लाया जा सकता है। अगर अगर उनके समर्थक आए हैं तो आपके भी समर्थक होंगे, जरूर होंगे, उनसे जरूर होंगे। और अगर अगर इसी तरीके से हमें लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों से जो मौके पर मौजूद हैं उनसे बात करने का, अगर इसी तरीके से हम, ये इनके समर्थक हैं और मोहल्ला है, परिवार है, मोहल्ले में जब आप रहते हो तो कोई ना कोई किसी ना किसी का समर्थक होता है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर असल में कोई समस्या है और कोई भाई बताना चाहता है, चाचा है पीछे, हम उनसे अब ये भैया बता दीजिए, ये भी तो समर्थक नहीं है जिससे भी हम, क्या आप भी समर्थक हैं? क्या लगता है आपको जो आरोप लग रहा है वो सही है या गलत है? नहीं, वो तो गलत है। गलत है। क्या नाम है भैया आपका? आजाद जी। क्या वोटर हैं आप? वोट बना है? पहला वोट है या इससे पहले भी? पहले। क्या मुख्य मोहल्ले से हैं आप? पठान दो से हैं, तीन से? तीन से हैं। क्या समस्याएं हैं मोहल्ले की? पूरी नाली नाली देख रहे, पूरी ब्लॉक है, रोड भी नहीं सही है, पानी आता तो पानी पूरा भर जाता है, जल्दी से सफाई तक चलो होती नहीं है, वहाँ पे आगे कूड़ा लगा रहता है, इधर आप खुद ही देख सकते हैं कि दिक्कत है। चलिए, कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आप लगातार कई सालों से सभासद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मोहल्ले में सारी चीज़ें ठीक ढंग से हैं। अब हम बात करेंगे, आप जो है प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, ठीक है, युवा है। अगर सभासद काम नहीं करता है, अगर आपकी सभासद से सुनवाई नहीं होती है, क्या आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि जो उच्चाधिकारी हैं या चेयरमैन साहब हैं उन तक शिकायत की जाए? नहीं, चेयरमैन साहब से शिकायत करी, उन्होंने कहा आपने वार्ड के सभासद को ये बात बताई जाए, ठीक है। एक हमारी नहीं, कई लोगों की शिकायतें रही, वहाँ तक पहुँची, उनका निस्तारण नहीं हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने बोले कि अब जब तुम आगे आ ही रहे हो तो भाई तुम चुनाव लड़ो। और लोग हैं, मैं चाहूंगा एक ही आदमी से बात ना हो पाए, जिससे ये ना लगे किसी पर्टिकुलर आदमी से बात हो रही है, और लोगों से। माता जी कुछ कह रही थी, इनसे बात करेंगे। मेरा मेंबर बहुत बढ़िया है, सब काम करवाता है। अच्छा, हमें कॉलोनी भी दिवाली। अच्छा, बहुत बढ़िया है। ये इससे कितने लोग सहमत हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम बात किससे करें, क्योंकि फिर हम वही कह रहे हैं कि मोहल्ले में हर किसी का कोई ना कोई परिवार या रिश्तेदार होता है, मोहल्ला अपना होता है, और उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं इनके अपने नहीं होंगे, जिनसे इन्होंने बात कराई हो सकता है वो भी इनके खास हो, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं या सही। हालांकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोहल्ले में जो है सफाई व्यवस्था की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट पे जो लाइटें हैं खंभों पे उनकी समस्या के बारे में बताया जा रहा है। अब हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि मोहल्ले की बात है, जैसे हम लगातार कहते आए हैं कि अगर हम मोहल्ले के लोगों से इसी तरीके से पूछते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई किसी का रिश्तेदार निकल आएगा, ये मोहल्ले वालों पर छोड़ते हैं। लेकिन अब सबसे अहम कड़ी आ गई है, कुल 7 चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, अब हम उनके बारे में सवाल पूछेंगे। आप लोग जो है मोहल्ले में लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ते हैं प्रत्याशी के तौर पर, किस तरीके के लोगों को चेयरमैन के पद पे आप देखना चाहते हैं? क्या आप लोग जब युवा हैं आप वोट करते हैं तो क्या बिरादरी विशेष देखते हैं, जात विशेष देखते हैं, धर्म विशेष देखते हैं, या विकास की बात करने वाले आदमी से आप जो है प्रत्याशी चुनते हैं? नहीं, विकास की बात करने वाले पे पब्लिक चुनती है, हम भी चुनते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है किसके सर जीत का सहरा सजने वाला है? अब ये तो जनता बताएगी। टक्कर किसके बीच है? टक्कर तो महमूद साहब के बीच में, आलोक मिश्रा जी के। आलोक मिश्रा महमूद साहब के, आप बता दें क्या लगता है आपको इस बार? सेम है।
आप भी वोटर हैं, इसी मोहल्ले के हैं, दो से हैं, क्या लगता है इस बार टक्कर किसकी है? टक्कर सूफी अनवार और सूफी की हो सकती है क्या? सूफी अनवार, महमूद साहब, महमूद साहब ने तो 25 साल बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने भी पलिया में बहुत कार्य करा है और लोग भी देख रहे हैं क्या करा है क्या नहीं करा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब की महमूद तो बैठे हैं। आप कह रहे हैं सूफी अनवार जीत रहे हैं, उनके नगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो लाइन में टक्कर में ही नहीं है, अजय दरोगा हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, किस तरीके से एक एक से बात करेंगे, किस तरीके से आपको लगता है सूफी अनवार अहमद जो है महमूद को रिप्लेस करने वाले हैं? नहीं, वो हो सकता है, इलेक्शन है, पब्लिक इधर कैसे, क्या कोई ऐसे काम, सामाजिक काम गिना सकते हैं जो सूफी अनवार अहमद ने चुनाव लड़ने से पहले तैयारी की हो, क्या समाज में कोई मदद की हो या समाज सेवा का कोई काम किया हो? समाज सेवा का और मदद का तो बहुत काम किया है। क्या किया, एक आधे बता दो। किसी का भी कोई काम पड़ता है, जिसका भी कोई भी काम पड़ता है, सारे एक भी पुरुष के पास जाता है तो सबसे पहले आते हैं। मेरा ही एक दसियों काम मेरे करे हैं, मैं यहीं पे मेरा काम नहीं कर रहे हैं। कई चक्कर पुलिस का भी मैटर हुआ, कोई भी नहीं जाता, लेकिन अगर उनके पास पहुंच जाता तो। देखिए, हम लोग लगातार थाने चौकी जाते हैं, लेकिन हमें सूफी अनवार कभी नहीं दिखे। ये हो सकता है आपकी पर्सनली मदद की हो, आप ये बताएं, आप हो सकता है, बिल्कुल सहमत है, हो सकता है वो भी टक्कर में। क्या लगता है इस बार अध्यक्ष पद पे, चेयरमैन पद पे किसके बीच टक्कर है? चेयरमैन साहब मतलब महमूद हसन खान और केबी गुप्ता, आप बता दें। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी दोनों के अगर टक्कर जो इस टाइम लग रही है, आलोक मिश्रा और महमूद हसन खान, आलोक जो जमीनी हकीकत ये बहन है हमारी, इससे जानते हैं। आप सभासद भी रह चुकी हैं, पहली बार प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, आपसे हम जानेंगे कि जैसे कुछ आरोप लग रहे हैं, अगर आप जीत के आती हैं तो जो आरोप आपके पिताजी पर लग रहे हैं, क्या ऐसा कुछ करेंगी जिससे उस तरीके के आरोप आप पर ना लग पाए? कैसे करेंगे आप लोगों को? यहाँ नाली सफाई की समस्या है, लोगों को यहाँ टूटी सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। अच्छा, हम एक और सवाल पूछते हैं आप लोगों से, हमें लग रहा है कुछ लोग जो है चेयरमैन की जब बात आ रही है तो किनारे होते जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आवास को लेकर बड़ी बातें की जाती हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास आया, मोदी जी ने सबको आवास दिया, यहाँ मोहल्लों में कितने लोगों को आवास मिला और क्या बिना पैसे के मिला है? क्या आवास जब आपको मिला है तो पैसे नहीं मिला? आवास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो आपके पास पहले से आवास होगा? हाँ, नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं था। हमारी कॉलोनी नहीं आई, सारी मोहल्ले में आई है, हम गरीब आए, हमारे पास पैसा नहीं है, जो पहले से दे तो मेंबर साहब नाराज है क्या, इसलिए नहीं आई? मेंबर साहब इधर आए, आपसे भी बात करेंगे। देखिए, ये माता जी की जो है शिकायत है, हमारा घर किधर जा रहा है, इनकी जो है कॉलोनी नहीं आई, सबकी आई है, इनका फार्म भरा हुआ है, अब इंदर बांध रुक गए हैं कॉलोनी, मतलब अगली बार चुनाव आपको जिताएं तब इनको मिल जाएगी, ये कहना है। अच्छा, अगर आना आ रहा है तो 13 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चलिए भैया, ये बताइए, हम उसी मुद्दे पर फिर से आ जाते हैं, आवास के नाम पर क्या आवास जिनको मिले हैं उनसे पैसे लिए गए हैं या मुफ्त में आवास दिया गया? नहीं बता सकते भैया, आप बताएंगे? कुछ पैसा लिया गया, अभी कुछ दिन पहले ग्रुपों में न्यूज चली। देखिए ऐसा ना, जब आप कभी आरोप लगाते हैं तो उसके, जब हम भी आरोप किसी पे लगाते हैं तो साक्षी होना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है, कोई ऐसा आदमी हो, हमसे भी मिलवाएं, हम इस खबर के इतर वो खबर भी चलाएंगे और लोगों से जानेंगे इस बार चुनावी चेयरमैन की युद्ध है उसमें कौन विजेता हो रहा है। मेंबर साहब आप बताओ, आप छुप रहते हैं, क्या लगता है इस बार टक्कर किसके बीच है? हम भाई नहीं बता रहे हैं, चेयरमैन नहीं, ये तो गलत बात है। आप क्या लगता है आपको? टक्कर तो है महमूद हसन और केबी गुप्ता में टक्कर है। लोग तो बता रहे हैं अनवार रिप्लेस कर रहे हैं महमूद साहब को, अभी लोग में ही टक्कर है हमारे साथ। लेकिन इन्होंने विकास के नाम पे जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोगों का कहना है कि ये केवल अपने घर में आवास पे बैठने वाले चेयरमैन बने हैं, ना ही कभी सड़कों पर निकलते हैं। क्या चेयरमैन साहब आपके मोहल्ले में आए हैं अभी तक? आए हैं। देखिए भाई कह रहा है और लोग आए, 5 साल में एक बार आए। इधर आ जाइए,
पाँच साल में एक बार आ जाए हैं, ठीक है, और कभी भी नहीं आए। क्या चुनाव का समय आ गया इसलिए आए? देखिए आप युवा हैं, हम ये चाहेंगे आप लोग सही बात बताएं, जिससे आप जैसे युवाओं को देखकर और लोगों को भी ये बल मिलेगा कि हम ऐसा प्रत्याशी को जिता कर लाएं जो हमारी समस्याएं दूर कर सके। क्या अब आप कहेंगे कि चेयरमैन साहब लगातार 5 साल तक जो है आपके सारे वार्डों में आते रहे, आपकी समस्याएं सुनते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी काम हुआ है उन्होंने करा है। क्या काम किया? कोई दो चार काम? पलिया की सड़कें, ये क्या कोई गड्ढों में चल रहा है, बताइए? नहीं, पलिया की सड़कों के अलावा सड़कें तो कहीं PWD बनाती है, आप मोहल्ले की सड़कों की बात करें, क्या ये जिम्मेदारी महमूद साहब की नहीं बनती है? इसकी आवाज उठाना सभासद क्यों बनाया जाता है? सभासद के अलावा अगर सभासद काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी थाने में सुनवाई नहीं होती है तो आप SP साहब के पास जाते हैं और वहाँ से सुनवाई होती है। क्या सभासद को, क्या चेयरमैन साहब ने आपके कभी डांटा कि आप ये सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं? तो यहाँ की क्या कहीं ना कहीं गलती है उनकी भी? गलतियाँ हैं, देखिए गलतियां हैं, लगातार हम मोहल्लों में जा रहे हैं, इसी तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं कि महमूद साहब लगातार 5 साल और बीते 10 साल से चेयरमैन रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे, लोगों से जनसंपर्क के नाम पर केवल और केवल जब वोट मांगने का मौका आता है, चुनावी समर आता है, तभी वो पहुँचते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, माता जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आप भी तो परिवार की नहीं है मेंबर साहब के? तो क्या मोहल्ले में जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं सब सही है? सही है, नहीं सही नहीं, हमारा मेंबर बहुत अच्छा है और हमें कोई परेशानी नहीं, सब सही सब। चलिए मेंबर अच्छे हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत, अगर मेंबर इतने ही अच्छे हैं तो सड़कों का, और ये पीछे हम आपको दिखा दें नाली की जो स्थिति है, इसकी भी सफाई करानी चाहिए थी, और ये सड़कें जो टूटी हैं इनका भी काम कराना चाहिए था। हम एक बार आखिरी बार मेंबर साहब से पूछ लेते हैं, मेंबर साहब ये बार बार आरोप लग रहा है, मेंबर साहब इधर आइए, अरे हाथ तो जाइए, देखिए ये कहीं वो नहीं है, हेलो, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं और हो सकता है 5 साल तक किसी कारणवश, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपने चाहा होगा, लेकिन कहीं ठेकेदार तो कहीं बजट और कहीं किसी चीज के नाम से इसको नहीं बनाया। जो आप लाइट की बात कर रहे हैं, जब से PM आपके अंडर में गया है तब से एक भी बल्ब नहीं आया। पहले मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए कि सब लाइटें जलती थी कि नहीं जलती थी। अच्छा, इस टाइम से बजट नहीं है तो बात नहीं हो रहा है। मतलब ये चुनाव के दौरान जब जो है शासनादेश लागू हुआ, तब से जब से चार्ज जो है DM साहब के पास गया, उससे पहले सब ठीक था? उससे पहले ठीक था, उससे पहले कुछ भी नहीं ठीक था। हम ये चाहते हैं और लोग भी हमसे बात करें, ऐसा ना लगे कि हम दो पर दो बात कर रहे हैं। पहले चलते थे यहाँ सफाई हर चीज का सब बढ़िया, आपका मोहल्ला दूसरा है, ठीक है, आप इस मोहल्ले के नहीं है, फिर आपसे बात नहीं करेंगे। तो चलिए हमारी बात हो रही थी, हम एक बार फिर आखिरी बार मुद्दे पर आ जाते हैं, हम बारी बारी से सबसे यही बात जानना चाहेंगे, इस बार चुनावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी के तौर पर किसकी जीत लग रही है? तीन लोग हैं, कौन कौन है? आपको जीत किसकी लग रही है वो बताइए। क्या लगता है इस बार कौन जो है जीतेगा? मैं तो ऐसा लगता है महमूद जीतेंगे। आप बताएं भैया, क्या लगता है आपको? ये टक्कर बराबर से लग रही है, क्योंकि जनता भैया आप बताएं क्या लगता है? कुर्सी वाले हैं वाले, हम कहीं के नहीं है, नहीं नहीं, जो इसमें कोई गलत नहीं है, समर्थक कोई किसी का भी हो सकता है। ऐसा ये है कि हमको तो ये लग रहा है KB और साहब आगे बढ़ोगे तभी तो, ठीक है, इन दोनों की टक्कर लग रही है। चलिए, PP और KB की टक्कर लग रही है, और कोई भाई है बताओ क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच है? KB महमूद के बीच में वोटर है आप नहीं है? और लोग हैं, भैया से हम बात कर चुके हैं, धीरे धीरे जब कैमरा उधर पहुंचता है, माइक पहुंचता है, तो लोग कटने लगते हैं, हो सकता है वोट वो किसी को देना चाहते हैं और टक्कर किसी की है, और अगर वो बोल देंगे तो ये राज खुल जाएगा। भैया ये आए हैं हमारे, किस मोहल्ले के हैं? इसी मोहल्ले के हैं, कौन सा? पठान दो पठान मोहल्ले में, हमारी मस्जिद में रोड पे पानी भर जाता है, अक्सर बरसात में पानी भरता है, तो मस्जिदों को, मस्जिद में जाने में लोग तकलीफ होती है, तो 5 साल में उन्होंने ये काम नहीं कराया है कि थोड़ी सी रोड ऊँची करा दे, आने जाने में लोग आराम रहे, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ गड़ जाती हैं, ऑटो पलट जाते हैं, कितनी घटनाएं होती हैं। अच्छा ये बताइए, कहीं कहीं ना कहीं
सभासद दोषी हैं, बिल्कुल हैं, और हमने भी सवाल किया आपके सामने किया, क्या चेयरमैन साहब भी जो है कभी हो सकता है निकलते हुए टहलते हुए, क्या दिखे हैं आपको यहाँ? चेयरमैन साहब खेत में दिखे, आज ही दिखे, इससे पहले नहीं। चेयरमैन साहब जो है वो खेत में दिखे, शहर में नहीं दिखे। फार्म हकीकत जो है जमीनी बता रहे हैं। चेयरमैन साहब जो खेत में दिखे वो भी नगला में, एड्रेस ले ले, पुराने बस स्टैंड में शाम को आराम फरमाते हैं। चला दीजिएगा, दिखा दीजिएगा जमीन, ठीक है? क्या उनसे अक्सर गर्मियों में हमारे वहाँ लाइटें जलाती है, मोहल्ले में घरों में हवा नहीं आती, मौसम भी खराब है, पाँच साल भूल जाओ। ये भी काम नहीं है कि मुझे को एक बार नहीं, हमें ऐसा लगता है लोगों का कहना है कि कहीं भेदभाव नहीं कर रही आवाज देने में, कहीं भेदभाव नहीं कर रही राशन देने में, तो क्या बीजेपी पर मुस्लिम मतदाता क्यों नहीं विश्वास जता पा रहा? ऐसा है ना, अगर हम बोलने पे आ गए भाजपा पे तो बहुत लंबा खींचे। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल ज्यादा शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट में ये बोलता हूँ कि उनका चुनाव ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे, ठीक है? अगर वो चाहते तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे। कैसे, आपको सलाह दे दें? सलाह हम हमारे सलाह देने उनके पास बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजर बैठे हैं। एडवाइजर तो है, लेकिन कहीं कोई समस्याएं तो बताएं, क्या समस्याएं ऐसी हैं जिससे आपको लगता है कि बीजेपी पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं? बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी हो, हम इस समय सत्ता में बीजेपी है, सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। उनका कहना है, बीजेपी वालों का कहना है कि किसी धर्म विशेष जात विशेष को देखकर हम राशन नहीं देते, आवास नहीं देते, क्या इससे सहमत है? नहीं, इससे सहमत नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है? आज ठीक है, एलपीजी गैस 1200 रुपए का, पेट्रोल भी महंगा हुआ, पेट्रोल भी महंगा है, ठीक है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, युवाओं को बेरोजगार जो घूम रहे हैं आजकल हैं, ठीक है, नशे का शिकार हो रहे हैं, क्या इस पे प्रशासन? हम लोग सिलेंडर नहीं ले पाते हैं और लकड़ी से काम फिर चलाना पड़ रहा है, और राशन कार्ड नहीं मिला, पूरे 5 साल निकल गए। बात कर रहे थे, हमें बहुत सारे ऐसे लोग नहीं मिल पाए जो बीते पीछे मोहल्लों में मिले हैं, यहाँ लोगों की कमी है, जो इक्का दुक्का लोग मिले, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया और वही समीकरण दिख रहा है जो वीडियो में लोग बोलते नजर आए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, चुनावी चर्चा का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। कल बाजार फर्स्ट और मोहल्ला पठान 3 में चुनावी चर्चा फिर से हम शुरू करेंगे 5 बजे, और लोगों से जानेंगे उनके मोहल्ले की समस्या, उनके सभासद ने क्या काम किया और सभासद को क्या देखकर